बोकारो जिला के चंद्रपुरा तारानारी में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने राज्य के सीएम हेमंत सोरेन पहुंचे। उन्होंने राज्य में जनता के लिए किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने कहा कि आज मणिपुर की स्थिति क्या है वह किसी से छुपा नहीं है। सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का काम कर रहे हैं। देश और राज्य तब आगे बढ़ेगा जब हमारा गांव मजबूत होगा। आइए सुनते हैं क्या कहा सीएम ने। और आज ये नियुक्ति पत्र जोरदार तालियां होती रहनी चाहिए। और अब शैली राठवार बोकारो जिले से ही फैसिलिटी हेल्थ मैनेजर की के पद पर आपका चयन हुआ है। और ये 95,000 की राशि का ये चेक आपको माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा प्रदान किया जा रहा है। पूरा पश्चिम उत्तर सब जगह से यही हालत जात पात के नाम पर एक दूसरे को लगा और अपनी राजनीतिक रोटी से काम धाना की मत। आज इतनी विपरीत परिस्थिति में हम लोगों ने हर चीज जो यहां की धार्मिक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है उसको लाने का काम किया ताकि आपकी ग्रामीण अर्थव्यवस्था तेजी से बदले। कहते हैं कि देश को मजबूत बनाना है तो राज्य को मजबूत बनाना, राज्य को मजबूत बनाना होगा तो मेरा मानना है मेरा गांव को मजबूत बनाना है। जब गांव मजबूत होगा तभी राज्य मजबूत होगा। तो हमें हमेशा अपने दिल में बसा कर रखना है जनता के लिए अपने जान की परवाह जो कि मेरे नामदाने नहीं की अपनी जान बाजी पर लगाकर अपने जिम्मेदारियों को उन्होंने निभाते हुए अपने कामों की आहुति दे दी। उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दी होगी कि आने वाले दिनों में जब भी चुनाव हो एक एक वोट झारखंड मुक्ति मोर्चा के चुनाव किसान पर लगाकर किसी दूसरे विपक्षी पार्टी को एक वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।